हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं राहुल हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कैपिटल पर। दोस्तों, आज से हम लोग हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का बैच है वो शुरू करने वाले हैं, जो कि आने वाले HSSC के जितने भी ग्रुप सी और डी की जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, परीक्षाएँ होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये SSC और बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप रोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दो तीन बातें बता देता हूँ कि जिस समय हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सामने कुछ डाउट्स आते हैं और हमारे जहन में माइंड में ये सवाल रहता है कि इनको जो ये हमारे डाउट्स हैं इनको क्लियर कैसे करें। तो उसका सलूशन मेरे पास है। अगर आप लोगों को जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ और आप लोगों के डाउट निकलते हैं तो जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमारे पास भेज दीजिए, आपको वहाँ पर उसका सलूशन मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं उसकी PDF में प्रैक्टिस के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। लगभग 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम उससे शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक हम नंबरों को नहीं समझेंगे, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, सिलेबस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसकी वीडियो, आप लोग एक बार उसको देख लेना। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे हम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, मैं आप लोगों से पहले एक सवाल करना चाहूँगा। जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे किसी बॉक्सेस को काउंट करना है या किसी और चीज़ को काउंट करना है, तो सबसे पहले हम कहाँ से काउंट करते हैं? हम काउंट करते हैं एक से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्तों। कहाँ से काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह हम इनको काउंट करते चले जाते हैं। क्या हम किसी चीज़ को जीरो से काउंट करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो इसी कारण जो ये हमारी, अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, ये संख्याएं हमारे अंदर से, इंसान के अंदर से ऑटोमेटिक निकलती हैं, प्राकृतिक रूप से निकलती हैं, ठीक है। तो इस कारण इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर। और इनको बड़े एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बड़े एन से। हम कहाँ से काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो हम एक को काउंट करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, उसके बाद हो जाते हैं नंबर्स ख़त्म। अब यहाँ पर काउंट करने में समस्या आती है कि 9 से आगे क्या करें। पहले ज़माने में आती थी, तो उसके बाद एक भारतीय महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की। किसी विदेशी ने नहीं, किसी अमेरिकन ने नहीं, बल्कि एक भारतीय ने की थी, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। अर्थात अगर हम इनके अंदर जीरो को शामिल कर दें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स।
इनको W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको बड़े एन से डिनोट करते हैं। अगर इसके अंदर हम 0 को शामिल करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से शुरू होते हैं, जबकि हमारे होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ कि इन्हीं को, अगर इस ग्रुप को मैं इधर की तरफ 0 से उस तरफ ले जाऊं, जैसे ये 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे था, अगर मैं 0 से इस तरफ ले आऊं -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि जो माइनस के नंबर्स हैं उनको भी अगर मैं इसके अंदर शामिल कर लेता हूं तो वो बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, INTEGER, इंटीजर्स नंबर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर्स, जिसको बड़े जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस की संख्याएं क्यों शामिल की जाती है, उसका रीज़न भी आप लोग जान लीजिए। अब मान के चलिए कि कोई लाला जी की दुकान है, क्या है? लाला जी की दुकान। लाला जी की दुकान पे क्या होता है कि दिन में बहुत सारा लेन देन होता है, कोई व्यक्ति है वस्तु लेके जाता है, पैसे दे के जाता है, उसके बदले में कुछ पैसे खुले भी दिए जाते हैं। अब लाला जी ने क्या किया कि कॉपी में लिख दिए 10 रुपये लिए, 10 रुपये लिए, 10 रुपये दिए, ठीक है। अब शाम को जब वो हिसाब करने बैठा कि मैंने लिए या कस्टमर ने लिए, उसको इन चीज़ों से कोई उसको समझ में नहीं आया कि वो मैंने लिए या कस्टमर ने लिए, या कस्टमर ने दिए या मैंने दिए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने जो सिंबल्स का यूज करना शुरू कर दिया, प्लस माइनस का यूज करना शुरू कर दिए, कर दीजिए। इसीलिए हम अगर इनको माइनस की जो संख्याएँ शामिल करते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएँ। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, जिसको बड़े जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ नंबर सिस्टम का आज इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो से हम बात करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। इंटीजर्स नंबर तक क्लियर? आगे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। अब आप लोगों ने 5वीं-6वीं क्लास से इवन और ओड नंबर्स को पढ़ा होगा, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं कौन सी होती है, आप लोगों को पता होगा, 5वीं-6वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं। कौन सी? जो संख्याएं 2 की टेबल यानी 2 के पहाड़े पे आती हो, या 2 से पूरी पूरी भाग होती हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। और अगर मैं बात करूं ओड नंबर्स के बारे में, कि ओड नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, सिंपल, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये थे हमारे इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर? बात हमने कर ली नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, इवन नंबर्स की और ओड नंबर्स की। अब आइए बात करते हैं प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की, ठीक है।
बिल्कुल बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप लोगों को बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना जीरो टू हीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एक बड़े और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, एक साइड हम लोग लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं। वास्तव में कोई भाज्य संख्या होती नहीं है, बल्कि इनको यौगिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं। सही नाम इनका यौगिक संख्याएं होता है। क्या होता है? यौगिक संख्याएं। अब आइए बात करते हैं कि जो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स के लिए दोस्तों सिर्फ केवल और केवल दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस कौन सी है? पहली जो कंडीशन है वो है कि वे संख्याएं जो एक से पूरी पूरी भाग हो जाए, एक से कटती हो, एक से कटती हो या भाग कटती हो, ठीक है। और दूसरी है केवल सेम, सेम स व य में सेम, यानी कि खुद से भाग होती हो, खुद से भाग। अगर कोई संख्या केवल ये दो कंडीशन फुलफिल करती है तो वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? यानी कि प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि वह संख्या जो एक और खुद से भाग हो, किसी अन्य संख्या से भाग न हो, वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, उन्नीस, तेईस, उनतीस, इकतीस, सैंतीस, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीरो और एक, ये दो संख्याएं अभाज्य संख्या क्यों नहीं हैं? इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिट नंबर्स के बारे में, ठीक है। ये क्लियर अभाज्य संख्या है। आइए हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो या दो से अधिक, यानी कि जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो, जिसके दो से ज़्यादा ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। मतलब क्या है इसका? कि वे संख्याएं जो एक पर तो भाग होती ही हैं, खुद पर भी भाग होती हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, यानी कि यौगिक संख्याएं। जो सबसे पहली और फर्स्ट भाज्य संख्या है वो है चार। जीरो और एक, दो और तीन क्यों नहीं है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि ये भाज्य संख्याएं क्यों नहीं हैं, ठीक है। अब दो और तीन का तो आप लोगों को पता ही है कि दो और तीन तो अभाज्य संख्याएं हैं, केवल और केवल दो फैक्टर हैं, ये तो वो खुद हैं या एक है, इन दोनों से कटती है, तो इनका फंडा क्लियर है। बात करते हैं जीरो और एक की, उससे पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा है छः के बाद आठ, नौ, दस, बारह, चौदह, पंद्रह, सोलह, अप टू इन्फिनिटी तक, इस तरह से अगर मैं चलते हैं तो ये कौन सी? अब पेपर में अगर आ जाता है कि पहली पांच यौगिक संख्याओं का योग क्या है, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो लोग दो से शुरू कर देंगे। कहाँ से शुरू कर देंगे? दो से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, पहली जो कंपोजिट नंबर्स है वो क्या है? चार है, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो और एक का मामला क्या है। पहले बात करते हैं जीरो और एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। मैंने क्या बोला है कि अभाज्य संख्या के लिए दो कंडीशनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं पहली कंडीशन को फॉलो करता हूँ कि जीरो को लेकर अगर एक से डिवाइड करता हूँ तो ये जीरो आता है, पहली कंडीशन को फुलफिल
करता है। यदि मैं दूसरी कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ कि जीरो खुद जीरो से भाग देने पर क्या आएगा, तो इसका आंसर है दोस्त नॉट डिफाइंड, आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है, तो इस कारण जीरो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अगर क्या होता है कि दो से ज़्यादा कंपोजिट नंबर्स में क्या, दो से ज़्यादा फैक्टर होने ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला एक इसका कॉमन फैक्टर है, दूसरे पे आके ये अटक जाती है, खुद नहीं है। ठीक है, अगर तीसरे से किसी और से भाग करते हैं उसको फुलफिल कर देती है, लेकिन जो जीरो को जीरो से भाग देने पर अगर हम करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, इस कारण ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, जीरो का फंडा क्लियर है। अब बात करते हैं एक, एक जो है वो अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। ठीक है, पहले कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि एक को एक से डिवाइड कर दिया, एक आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन खुद से वो भी फुलफिल करती है, लेकिन फिर भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दोनों में से कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है, ये पहली वाली या दूसरी वाली। तो इस सिचुएशन में ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्या ये केवल और केवल एक खुद से ही डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, किसी दूसरी या उससे ज़्यादा संख्याओं पर डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, ये था अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर्स। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो या तो एक से कटती हो या खुद से भाग होती हो, किसी दूसरे संख्या से भाग न होती हो, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं सिंपल भाषा में। दूसरा है भाज्य या यौगिक संख्याएं। भाज्य वैसे होता कुछ नहीं, यौगिक संख्याएं सही नाम ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कि जिसके दो से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। ठीक है, जीरो और एक दो तीन तो है नहीं, पहली जो है चार छः आठ नौ दस बारह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है अठारह बीस, ये होती हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कुछ और संख्याएं, रेशनल इरेशनल और रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल रेशनल नंबर्स हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको क्या उसे डिनोट किया जाता है? ठीक है, कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो p बटे क्यू, जहां पर क्यू बराबर नहीं है जीरो के, और p एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है? वे संख्याएं जो p बटे क्यू की फॉर्म में होती है। p बटे क्यू का मतलब यहां पर है कि जो संख्याएं बटे में होती हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या है दो बटे तीन है, एक बटे दो है, चार बटे पाँच है, ठीक है, जीरो पॉइंट तीन है, या कुछ और है, जीरो पॉइंट फाइव है, जीरो पॉइंट सिक्स है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर क्यू मान के चलो, क्यू की वैल्यू यहाँ पर हम जीरो पुट करते हैं, तो ये तो दो के बटे में जीरो, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। ठीक है, वे संख्याएँ जो पी बटे क्यू की फॉर्म में है, p और q कोई इंटीजर्स नंबर है, यानी कि वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ये कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कौन से इरेशनल। मैं इसको लिख देता हूँ p बटे क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, p एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स इसको आई से डिनोट किया जाता है, यानी कि अपरिमेय संख्याएं।
ठीक है। जो संख्याएं रूट के अंदर होती हैं ज़्यादातर, रूट, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, टू अंडर रूट थ्री एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो पाई है वो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पाई है या 22/7 है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि हम जो पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अब कहीं पर भी, चाहे कोई सुपर कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, कोई भी कंप्यूटर हो, जहां मर्जी इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको सिर्फ एक एज्यूम करके वैल्यू ली गई है, इस कारण पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमारा बचता है लास्ट में रियल नंबर्स, ठीक है। क्या बचता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको डिनोट करते हैं आर से। इससे डिनोट करते हैं आर से। अगर मैं कहूं एन प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस क्यू प्लस आई प्लस, और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स या और जो भी रह गए, उन सभी को हम मिला दें तो क्या बनता है? हमारे पास रियल नंबर्स बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब लास्ट जो हमारा बचता है इमेजिनरी नंबर्स। क्या? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज -1, -2, -3, क्या हम इन संख्याओं को रूट के अंदर माइनस में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, जो हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने माइनस की बजाय आयोटा शब्द यूज किया। क्या यूज किया? आयोटा शब्द। तो इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम जो हमारे नंबर सिस्टम के यानी कि संख्या पद्धति के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने के लायक हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड लगभग 100-150 क्वेश्चन की एक PDF आप लोगों को विद आंसर टेलीग्राम चैनल यानी कि ग्रुप में ही मिल जाएगी। चैनल और ग्रुप एक ही है। और कोई डाउट आता है तो हमारे पास इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए, वहाँ पर आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।